आइएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम के बारे में, जिसमें मैंने आपको सेक्शन 10A, सेक्शन 14A, 10AA और 14A कवर करवाया था। तो आज हम उसको रिवाइज ना करते हुए अपना जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसमें एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था उसकी बात करेंगे। उसकी बात करने के बाद हम चलेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा इनकम अंडर हेड सैलरी। अगर आपको पिछली क्लास से रिलेटेड या अभी तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए आइएगा हम चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 56 पर मेरे साथ। पेज नंबर 56 पर आइएगा, छोटी सी बात और पढ़नी है आपको। इनकम टैक्स में तीन वर्ड्स बार बार सुनाई देंगे। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, सीए बन जाएंगे तब भी, जब आप सीए कर रहे होंगे तब भी, और ये वर्ड्स आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। दीज आर दी थ्री वर्ड्स जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, जिससे कि आप इसे हमेशा समझ पाए और याद रख पाए कि व्हाट आर दीज थ्री वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड आपके सामने आएगा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या मतलब है टैक्स प्लानिंग का, मोटे मोटे तौर पर अभी देख लेते हैं, बाकी डिटेल में इसको समझेंगे। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आपने अपना टैक्स प्लान किया है, आपने कुछ प्लानिंग के थ्रू, आपने किसी प्लानिंग के थ्रू अपने इनकम टैक्स को सेव किया है। इसका मतलब आप अपना टैक्स बचा रहे हैं बाय डूइंग सम प्लानिंग। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप प्लानिंग से अपना पेपर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, आप प्लानिंग करते हैं कि कैसे 3 घंटे में पूरा पेपर किया जाए, आप प्लानिंग करते हैं कि कैसे कम से कम कंटेंट लिख के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिए जाएं, आप प्लानिंग करते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर लिया जाए। तो ये सब क्या है आपकी प्लानिंग। अब जब आप यही प्लानिंग टैक्स में करते हैं कि कम से कम टैक्स आपको देना पड़े, लेकिन नियम कायदे के अंदर रहते हुए, इसका मतलब मैं कुछ गलत भी ना करूं और मेरा टैक्स भी बच जाए। तो जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं, दैट इज द टैक्स प्लानिंग। ऑन दी अदर हैंड एक आपको वर्ड दिखाई देगा टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इसका मतलब मैंने अपना टैक्स अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने का मतलब है मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि आपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पास ऑन कर दी। मतलब क्या है यहाँ का, यहाँ पर कि लॉ में ऐसी कुछ कमियां हैं जिनका फायदा उठाते हुए आपने अपना टैक्स बचा लिया। सरकार नहीं चाहती है कि आप इन तरीकों का यूज करें, लेकिन सरकार से लॉ बनाते समय कुछ कमी रह गई, उस कमी का यूज करते हुए आपने अपना इनकम टैक्स बचा दिया या अपना अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लिया, तो वो शब्द आपके लिए हमेशा कहलाएगा टैक्स अवॉइडेंस। इसका मतलब आपने गलत कुछ नहीं किया, आपने केवल उन चीजों का फायदा उठाया जो सरकार से लॉ बनाते समय गलत हो गई थी, गलती से गलत हो गई थी, और आपने उन्हीं चीजों को अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। एक आपको तीसरा वर्ड और दिखाई देगा, दैट इज टैक्स इवेजन। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा तीनों ही केसेस में, मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं व्हाट इज टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना। आप इनकम कमाते हैं 50 लाख, लेकिन आप सरकार को बताते हैं कि मैंने इनकम कमाई है 20 लाख या 30 लाख। इसका मतलब आपने अपनी इनकम छुपाई है। आप खर्चे करते हैं 10 लाख के, लेकिन आप सरकार को बोलते हैं कि मेरे खर्चे हुए हैं 15 लाख के। इसका मतलब आप अपना टैक्स चुरा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंसेस एंड बाय रिड्यूसिंग द इनकम। तो अगर आप ऐसा करके अपना इनकम टैक्स चुरा रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं, तो आप उस केस में कहेंगे दिस इज अ टैक्स
इवेजन, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स हैं, आइए अब एक बार डिटेल में समझते हैं मैंने क्या चीजें आपको बताई हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लेंगे। सो टैक्स प्लानिंग मीन्स द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द असेसी टू मेंटेन हिज टैक्स, का कोई भी प्रोसेस जिससे कि एक असेसी अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे एक असेसी अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लेता है विद इन अंडर द लॉ, मतलब लॉ में रहते हुए और बिना कुछ गलत काम किए, बिना किसी मिसयूज को किए, वो अपनी अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम कर ले तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग विद इन द लीगल फ्रेमवर्क गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये बात जल्दी समझ आ जाएगी। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैं आपको डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शंस का मतलब अगर आप कोई अभी ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ, इज इट प्रॉपर नाउ? चलिए, हाँ। सो मैं आपसे आपके साथ बात कर रहा था, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है ATC जो डिडक्शंस के बारे में कुछ बातें बोलता है। तो उन डिडक्शंस के चैप्टर में लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई सेविंग करते हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस केस में हम आपको ATC के अंदर उसकी डिडक्शन दे देंगे। अब डिडक्शन देने का मतलब हम आपकी इनकम को कम कर देंगे, इनकम को रिड्यूस कर देंगे, जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है यहां पर, क्या ये डिडक्शंस मुझे दी जाएंगी अगर मैं उन्हीं कंडीशंस का यूज करूंगा जो लॉ में मुझे बताई गई है, या मैं कैसे भी करके इस डिडक्शन को ले पाऊंगा? सो द आंसर इज, अगर जब तक आप लॉ में बताई गई कंडीशंस को पूरा नहीं करते तब तक आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। अब सपोज करते हैं लॉ में कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या है कि जब भी आप कोई सेविंग करेंगे, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जब भी आप कोई ट्यूशन फीस पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस एक डिडक्शन है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास एक सेक्शन है ATC। ATC सेक्शन ये कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सेविंग करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, तो आपको डिडक्शन दी जाएगी। डिडक्शन दी जाएगी इसका मतलब कि आपकी इनकम को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाए। लेकिन अब ट्यूशन फीस में कंडीशन है, सपोज करते हैं, मान के चलते हैं भी ट्यूशन फीस में कंडीशन है कि ये ट्यूशन फीस जब आप पे करेंगे तो ये अदर देन कैश आप पे करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है लॉ के अंदर कि ये ट्यूशन फीस जब भी आप पे करेंगे आप अदर देन कैश पे करेंगे। लेकिन अगर आप इसे कैश में पे कर देंगे तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आप इसे कैश में पे कर देंगे तो हम आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। सो माय पॉइंट इज दैट, मुझे मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस पे करनी है, मुझे मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस पे करनी है,
अगर मैं कैश में पे करूंगा तो मुझे पता है डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं उसी फीस को अपने चेक से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, इसका मतलब अदर देन कैश मेथड से पे कर देता हूं तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। और ऐसा ही मैंने किया, मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस अदर देन कैश में पे करी जिससे कि मुझे ATC की डिडक्शन मिल गई। तो बताइए, मेरा ये काम, मैंने जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करी, अपने बच्चे की ट्यूशन फीस मैंने कैश में ना पे करके चेक से पे कर दी, इसे आप क्या कहेंगे? टैक्स प्लानिंग कहेंगे, टैक्स इवेजन कहेंगे या टैक्स अवॉइडेंस कहेंगे? इसे आप क्या कहेंगे बताइए? टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस? इट इज अ टैक्स प्लानिंग। क्यों प्लानिंग कह रहा हूं मैं? क्योंकि सर लॉ मेकर्स आपको बेनिफिट देना चाहते थे, लॉ मेकर्स आपको बेनिफिट देना चाहते थे, उन्होंने बेनिफिट दिया भी, क्या कह के कि आप ये फीस कैश में पे नहीं करेंगे। आपको तो फीस वैसे भी पे करनी ही थी, बस आपने क्या किया, उसको कैश में पे ना करके चेक से पे कर दिया, कैश में पे ना कर चेक से पे कर दिया। अब क्योंकि आपने उसे चेक से पे कर दिया तो लॉ मेकर्स ने आपको बेनिफिट दे दिया। सो दिस इज द केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, जहां पर आप लॉ के अंदर रहते रहते ही लॉ में दिए गए बेनिफिट्स का यूटिलाइजेशन करते हुए आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बचा जाते हैं, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बचा जाते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लीजिए, आप इंडिया अक्सर आते हैं, आप इंडिया आते हैं, लेकिन 181 डेज के बाद आप इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही आपके 181 डेज होते हैं आप इंडिया छोड़कर चले जाते हैं, क्या मानते हुए कि अगर मैं 182 दिन इंडिया में रह गया तो उस केस में आई विल बी रेजिडेंट। बताइए, आप 181 दिन पर इंडिया छोड़कर चले जाते हैं ताकि आप रेजिडेंट ना बन जाएं 182 दिन पर, तो अब आप इसे क्या कहेंगे? टैक्स प्लानिंग कहेंगे या टैक्स इवेजन कहेंगे या टैक्स अवॉइडेंस कहेंगे? क्या आप इसे टैक्स प्लानिंग कहेंगे, इवेजन कहेंगे या अवॉइडेंस कहेंगे? प्रीथल कह रही है अवॉइडेंस है, अमिनुल अवॉइडेंस है, चंचल कह रही है इवेजन है, इवेजन नहीं है चंचल, अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस है, बिल्कुल, इट इज अ केस ऑफ अवॉइडेंस। अवॉइडेंस के बारे में पढ़िए, अब आपको और क्लियर हो जाएगा पढ़ते ही। अवॉइडेंस क्या चीज है? टैक्स अवॉइडेंस मीन्स द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द असेसी टू मिनिमाइज हिज टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लूप होल्स इन लॉ। अब लॉ में क्या लूप होल्स है? 181 दिन तक अगर कोई भी रहेगा तो उसे नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। अब लॉ बन गया है, ऐसा क्या कर सकते हैं? चेंज तो कर नहीं सकते, और चेंज करना भी पड़ेगा तो कर भी देंगे, लेकिन जब समझ आएगी, जब सिचुएशंस आएंगी तब चेंज करेंगे। तो अभी प्रेजेंटली लॉ में क्या सिचुएशन है कि कोई भी पर्सन इस बात का बेनिफिट उठा सकता है कि वो 181 दिन तक तो इंडिया में रहे और उसके बाद इंडिया छोड़ के चला जाए ताकि वो कभी भी रेजिडेंट ना बने। तो दिस इज द केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि जब तक आप एक क्लबिंग का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वहां पर आपको मैं सिखाऊंगा क्लबिंग में कि अगर एक फादर अपने मेजर सन को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस केस में उसकी इनकम फादर की इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। तो ये बात आपको आज समझ नहीं आएगी, इसलिए जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है उस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझा रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपको क्लबिंग के बाद समझ आएगा। जनरली मैं ये कॉन्सेप्ट क्लबिंग के बाद कराता हूं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, बट आज मैंने आपके लिए एग्जाम्पल चेंज कर दिया। तो यू कैन नोट इट डाउन कि अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है और 181 दिन बाद चला जाता है तो इस केस को भी आप कह सकते हैं दिस इज द केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। नहीं सतीश, इट इज नॉट अ प्लानिंग, इट इज अ अवॉइडेंस, इट्स नॉट प्लानिंग।
मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लो। भरत ने लिखा है, अगर कैश में हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी क्या? नहीं, मिल जाएगी, कैश में भी मिल जाएगी, बट अज्यूम किया है मैंने यहां पर कि मान के चलते हैं नहीं मिलेगी। जैसे एक डिडक्शन आती है भरत, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके अंदर तो क्लियरली लिखा है, अगर कैश में पे करोगे तो डिडक्शन नहीं देंगे। यहां तो क्लियरली लिखा है, अज्यूम भी मत करो, क्लियरली लिखा है, कैश में पे करोगे तो डिडक्शन नहीं देंगे। अगर मुझे अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराना है, सो व्हाई शुड आई पे इन कैश? अगर मुझे उसी पेमेंट को चेक से करने से डिडक्शन मिल सकती है, देन व्हाई शुड आई पे इन कैश? तो ये है टैक्स प्लानिंग, कि मैं उसे चेक से पे करूंगा और टैक्स बेनिफिट उठा लूंगा। मुझे अदरवाइज भी वो पे करना ही था, लेकिन मैंने अब क्या किया, कैश में ना पे करके चेक से पे कर दिया। क्लियर? और तीसरा मैंने आपको बताया था, आपकी इनकम है 20 लाख, आप रिटर्न भरते हैं और उसमें कहते हैं मेरी इनकम है 10 लाख। आप सीधा सीधा अपनी इनकम को छुपा जाते हैं, आप सीधा सीधा अपनी इनकम को छुपा जाते हैं। आपके खर्चे हैं 20 लाख, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और कहते हैं कि मेरे खर्चे हुए हैं 30 लाख। आप सीधा सीधा अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं। इट इज अ टैक्स इवेजन, इट इज अ टैक्स इवेजन। यहां पर आप कह रहे हैं कि ये हमने टैक्स की चोरी करी है। देखिएगा, टैक्स इवेजन मींस द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द एसएससी टू डिफीट द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर बाय अंडर स्टेटिंग इनकम, इनकम को घटा देने से, या ओवर स्टेटिंग द एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को बढ़ा देने से। तो इनकम घटाने से और खर्चों को बढ़ाने से जो भी रिजल्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड टैक्स इवेजन। क्लियर है यहां तक? एक बात बताइएगा, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट, मेरी आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई है, फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा, टाइम से नहीं भरूंगा, तो मेरे ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से भर दूं, अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से भर दूं और अपने ऊपर लगने वाली पेनल्टी को बचा लूं, अगर मैं अपने ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को बचा लूं, अगर मैं अपने ऊपर लगने वाली लेट फीस को बचा लूं, अगर मैं मेरे ऊपर लगने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाऊं, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। इसका मतलब आपने टैक्स में लिखी हुई कामों को, टैक्स में दिए गए कामों को आपने इस तरीके से किया कि आपके ऊपर किसी भी तरह का लेट फीस नहीं लगा, किसी भी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, किसी भी तरह की आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ी। तो जब आप अपने कामों को इस तरह से करते हैं कि आपके ऊपर कोई लेट फीस पेनल्टी ड्यूज नहीं आते, उसे हम कहते हैं टैक्स मैनेजमेंट। और जब आप सीए बन जाएंगे, इवन मैं तो कहता हूं करते करते भी आप यही तो काम कर रहे हो, आप टैक्स मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। चलो टैक्स मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आप चीजों को तो मैनेज कर रहे हो। आपको पढ़ाई करनी है, अपने 6 पेपर 8 पेपर पढ़ने हैं, किस तरह से किसको कितना एलोकेशन देना है, ऑफिस मैनेज करना है, ऑफिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई देखनी है, क्लासेस देखनी है, रिविजन देखनी है, एवरीथिंग। सो व्हाट यू आर डूइंग मैनेजमेंट। जब आप सीए बन जाएंगे तो आप क्लाइंटों के लिए क्या करेंगे, टैक्स का मैनेजमेंट। वो आपको अपनी फाइल देगा, अपना केस देगा, और आपकी कोशिश यही रहेगी कि उसके ऊपर किसी भी तरह की लेट फीस ना हो, उसकी कोई भी रिटर्न लेट ना जाए, कोई भी उसके ऊपर पेनल्टी ना लगे, कोई भी इंटरेस्ट उसे ना पे करना पड़े, तभी तो वो आपको फीस देने के लिए राजी होगा। तो ये आप क्या कर रहे हो, इट इज अ टैक्स मैनेजमेंट। सो व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स इन सच अ वे, व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स इन सच अ वे कि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस ना लगे, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज टैक्स मैनेजमेंट। देखिएगा, एक और वर्ड है आपके सामने, टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट मींस द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय एसएससी टू
कंप्लाई विद द प्रोसीजरल एंड कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बताइए यहां तक किसी को डाउट है कोई? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। दो छोटी छोटी बातें और पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका। फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न ऑन टाइम, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस ऑन टाइम, मेंटेनिंग प्रॉपर बिजनेस रिकॉर्ड एक्सेट्रा, तो ये सब आपका मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट। एक वर्ड आता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वेयर एन एसएससी अर्न एनी इनकम एंड पे हिज ड्यूज टैक्सेस एंड यूज दैट आफ्टर टैक्स इनकम फॉर एनी पर्पस, सच यूज इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मैंने इनकम कमाई, उस इनकम पर इनकम टैक्स पे कर दिया, तो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो मेरी इनकम बची, मैं उस इनकम को कहीं भी खर्च करूं, कैसे भी खर्च करूं, किसी को भी दूं, वो मेरे लिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहलाएगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। अप्लाई करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि मैंने इनकम कमाई है, अब मैं उसे अलग अलग जगह पर अप्लाई कर रहा हूं। मैं हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स कर दूं, मैं हो सकता है खर्च कर दूं, मैं हो सकता है बैंक में रख लूं, मैं हो सकता है किसी को गिफ्ट दे दूं, मैं हो सकता है उसको फेंक दूं। वैसे मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो ऐसा कोई भी काम जो आप अपनी इनकम का टैक्स पे करने के बाद अपनी इनकम से करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्लियर है ये पॉइंट? डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होगा? बिना पढ़े सोच के बताइएगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब होगा जब एक व्यक्ति अपनी इनकम किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे इनकम टैक्स ना देना पड़े। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपनी इनकम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे इनकम टैक्स देना ना पड़े, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ इनकम। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जल्दी से समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, फीस दे रहे हैं। अब मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई है उस फीस से कि मैं 30% के स्लैब में आ गया हूं। मतलब मेरी इनकम मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर 30% का स्लैब ना लूं, मेरी इनकम अब और ना बढ़े। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि एक काम करना, अब ये फीस तुम मुझे मत देना, अब ये फीस तुम मुझे मत देना, मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल देना। तो इसका मतलब मैं अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे पर्सन की इनकम में, जिससे कि मेरा इनकम टैक्स कम हो जाए। और सर वाइफ के पास क्यों ली? क्योंकि मेरी वाइफ की कोई इनकम है नहीं। अगर आप उसे 5 लाख रुपए तक की इनकम दे भी देंगे, 6 लाख 7 लाख तक की इनकम दे भी देंगे, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं आएगा। इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। तो मैंने अपने 5 लाख रुपए की इनकम, जिस पर कि अदरवाइज मुझे 30% का टैक्स देना होता, मैंने वो 5 लाख रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, जिससे कि मेरी इनकम अब वो मेरी ना रखे ना रह के मेरी वाइफ की बन गई, और इस तरह से मैंने टैक्स बचा लिया। तो जब आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो उसे आप कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। व्हेन पर्सन रिसीव्ड एनी इनकम एंड बिफोर गिविंग द टैक्स ही ट्रांसफर सम पोर्शन ऑफ हिज इनकम टू एनी अदर पर्सन टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी, देन सच ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो इस ट्रांजेक्शन को आप क्या कहेंगे? डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्लियर है? बताइए कोई डाउट है यहां तक? एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाता हूं, मेरी स्पाउस कोई और सब्जेक्ट डील करती हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जब आप इनकम टैक्स की फीस पे करें तो मुझे पे करना, लेकिन जब आप उस सब्जेक्ट की फीस पे करें तो सीधा मेरी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, वेदर इट विल बी अ डाइवर्जन ऑफ इनकम और नॉट, क्या आप इसे भी डाइवर्जन ऑफ इनकम कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम का केस नहीं होगा। सर
सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम। आपको अगर इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, इनकम अंडर हेड सैलरी। सो किसी को कोई डाउट है इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी? वेरी गुड। मयूर कह रहे हैं, कैन यू शेयर दी यस्टरडे नोट्स, जो मैंने मेरी हैंड राइटिंग वाले नोट्स कह रहे हो? जो मैं नोटिंग करवाता हूं उसकी बात कर रहे हो मयूर? ठीक है, आफ्टर दी क्लास, कल, आज नहीं, कल मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, हाँ जी, वी आर डिस्कसिंग अ न्यू चैप्टर, इनकम अंडर हेड सैलरी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के नियम समझ लीजिएगा। चैप्टर अगर आप लोगों से सुनोगे, लोगों से, तो ये उनका ये व्यू है इस चैप्टर पर कि ये चैप्टर मुश्किल है। लेकिन अगर आप मेरा व्यू सुनोगे, पर्सनली मेरा व्यू सुनोगे, और 6 क्लासेस बाद आप अपना व्यू सुनोगे, तो आपको ये लगेगा इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज मैं अपना व्यू बता रहा हूं, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। 6 क्लासेस बाद आपका व्यू भी यही होगा, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। लेकिन आप और लोगों से सुनोगे, मुश्किल है। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आए कि हम ये चैप्टर छोड़ दें, तो ये विचार एक बहुत बड़ा पाप है, अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, जो आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। अगर आपने मेरे से क्लास ली है सैलरी की, तो ये पाप आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आप इस चैप्टर को छोड़े। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि सीए फाइनल लेवल पर ये चैप्टर आपसे पूछा नहीं जाता। सीए फाइनल लेवल पर ये चैप्टर आपसे पूछा नहीं जाता। इट मींस इंस्टीट्यूट ये कहता है कि जितना भी सैलरी के बारे में पढ़ना है, जितना भी सैलरी के बारे में पढ़ना है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ लो, मैं आपको दोबारा सीए फाइनल लेवल पर ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है कि सीए फाइनल लेवल पर हम ये चैप्टर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे सीए फाइनल में, कैपिटल गेन डिटेल में पढ़ेंगे, अदर सोर्स पीजीबीपी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 2 चैप्टर सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी जितना पढ़ना है, जितना पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ लो, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा चैप्टर नहीं दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें लाइफ लॉन्ग सैलरी की बातों को समझना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे प्रोफेशनल बने, तो हमें इंटरमीडिएट में सैलरी के चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि हमारे 2 काम हो पाए। पहला, हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए अच्छे मार्क्स से, और जब हमें लाइफ में आगे जाके प्रैक्टिस करनी पड़े या कहीं जॉब करनी पड़े, तो हम सैलरी से भागे नहीं। इस उद्देश्य के साथ, इस मोटिव के साथ ये चैप्टर आज शुरू होगा। 10-12 क्लासेस चलेंगी, क्वेश्चंस की भी भरपूर प्रैक्टिस होगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते चले जाएंगे, उनके क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। 4 कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो उनका एक इकट्ठा क्वेश्चन करेंगे,
10 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन का एक इकट्ठा क्वेश्चन करेंगे। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाएगी एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन बैंक अभी आपका प्रिपरेशन में है, क्वेश्चन बैंक आपका प्रिपरेशन में है, तो जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक भी शेयर कर दिए जाएंगे इन बिटवीन द चैप्टर, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली मैं इस चैप्टर में इंक्रीज करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, क्लास मिस नहीं करनी है कोई भी। दूसरा, रिवीजन प्रॉपर करनी है, जितनी पिछली क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है वो सारा का सारा रिवाइज होना चाहिए बिफोर कमिंग इनटू दी अपकमिंग क्लास। तो आज अगर दो क्लासेस हो गई हैं तो आपको दो क्लासे रिवाइज करनी है तीसरी क्लास अटेंड करने से पहले। अब कैसे करनी है, कैसे आपको टाइम निकालना है उसके लिए, ये थोड़ा सा आपके लिए एक प्रेशर होगा, बट आप ही को करना होगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मैं चार क्लासे ले रहा हूं तो फोर्थ क्लास में आपको तीन क्लासों की बातें टिप्स पर याद होनी चाहिए, भले ही रटी हुई ना हो लेकिन कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? क्या सभी मेरी बात से एग्री हैं? ठीक है जी, आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज सैलरी। सैलरी से आप क्या समझते हैं, कौन मुझे बताएगा व्हाट इज सैलरी? हाँ जी, कौन है महानुभव जो बता सकता है सैलरी का मतलब क्या है? एक ने बोला है फिक्स इनकम। मयूर, मेरे घर पर एक किराएदार है, किराएदार किराया देता है, किराया फिक्स है, किराया फिक्स है, वो मुझे हर महीने 6,000 रुपए देगा, फिक्स है ये किराया मेरा। बताइए मयूर, क्या ये सैलरी है? क्या ये सैलरी है? तो फिर आपका ये वाला आंसर गलत है, आपका फिर ये वाला आंसर गलत है। बाकी बताइएगा, प्रीथल कह रही है मंथली इनकम, मंथली इनकम इज अ सैलरी। अगेन प्रीथल, ये जो 6,000 रुपये किराया आता है ये भी मेरे पास हर महीने आता है, बताइए क्या ये सैलरी है? क्या ये सैलरी है? तो आंसर इज नो, तो इसका मतलब ये भी सैलरी नहीं है। चलिए ये भी लिस्ट में से काट दी हमने। और बताइएगा, एक आंसर आया है मेरे पास, पेमेंट फॉर वर्किंग समवन, किसी का काम किया और उसने आपको पेमेंट दे दी, पेमेंट फॉर सम वर्क। एक बात बताइए, मैं जब सीए हूं तो मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूं, मैं जब अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूं वो मुझे पेमेंट देते हैं, वो मुझे पेमेंट देते हैं, क्या ये पेमेंट सैलरी है? क्या ये पेमेंट सैलरी है? तो नहीं, इसका मतलब ये भी सैलरी नहीं है, तो फिर सैलरी का क्या मतलब है? और लेता हूं मैं आंसर, प्रीतल ने बोला पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एक मालिक द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया पैसा, एक एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया पैसा सैलरी है। द आंसर इज करेक्ट, ये सैलरी है। बाकी जितने भी आपने कोई आंसर दिए हैं, बाकी जितने भी आपने आंसर दिए हैं इसके अलावा
वो सब गलत है। फिक्स इनकम इज नॉट अ सैलरी, मंथली इनकम इज नॉट अ सैलरी, पेमेंट फॉर सम वर्क इज नॉट अ सैलरी, द सैलरी इज विच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। सैलरी का मतलब ही केवल वही होगा जो एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉई को दी जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा छोटी सी, सैलरी कितने तरह की हो सकती है, सैलरी कितने तरह की हो सकती है, सैलरी कितने तरह की हो सकती है? सोचिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, बट क्या कोई मुझे बता सकता है सैलरी कितने टाइप की हो सकती है? चलिए मैं आपको कुछ नाम लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा वेदर इट इज अ सैलरी और नॉट। मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या ये सैलरी है या नहीं है। बेसिक सैलरी, क्या ये सैलरी है? अलाउंसेस, मैंने अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिए, क्या ये सैलरी है? डियरनेस अलाउंसेस, क्या ये सैलरी है? वेजेस, क्या ये सैलरी है? बोनस, क्या ये सैलरी है? कमीशन, कमीशन टू एम्प्लॉई, क्या ये सैलरी है? कमीशन टू एम्प्लॉई, जब एम्प्लॉई रिटायर होता है, जब एम्प्लॉई रिटायर होता है तो आप उसे देते हैं ग्रेच्युटी, क्या ये सैलरी है? यस इट इज अ सैलरी, इट इज अ सैलरी। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो आप उसे पेंशन देते हैं, क्या ये सैलरी है? यस जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो आप उसे ग्रेच्युटी देते हैं। अच्छा ग्रेच्युटी कवर हो गया, ग्रेच्युटी कवर हो गया। आप उसे लीव सैलरी देते हैं। लीव सैलरी क्या होता है बता देता हूं मैं आपको। जब एक एम्प्लॉय मेहनत लगन ईमानदारी से अपने ऑफिस में काम करता है, अपनी कंपनी में काम करता है, और वो साल में दी गई छुट्टियों के बदले भी काम करता है, तो जब वो रिटायर होता है उसे उन दिनों के भी पैसे दिए जाते हैं जिन दिनों में उसने काम किया था, जबकि अदरवाइज बाकी एम्प्लॉयज छुट्टी पर थे। तो जिन छुट्टियों के लिए भी वो काम करता है उन काम करने वाले दिनों की उसे सैलरी मिलती है। तो ये लीव सैलरी का सैलरी है? द आंसर इज यस। इसका मतलब आप एक बात समझ के चलिए, एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया पैसा, चाहे किसी भी नाम से बोला जाए, एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया गया पैसा, चाहे किसी भी नाम से बोला जाए, वो सैलरी है। एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा, चाहे किसी भी नाम से उसे पुकारा जाए, तो वो सैलरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये जो आपका चैप्टर है सैलरी, ये दो सेक्शंस पर, तीन सेक्शंस पर चलेगा, सेक्शन नंबर 15 से लेके 17 तक। तो यहां पर हम तीन सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17। ये बात और है कि 15 के अंदर हम सबसेक्शन भी पढ़ेंगे, 16 के अंदर भी सबसेक्शन पढ़ेंगे और 17 के अंदर भी सबसेक्शन पढ़ेंगे।
ये बात अलग है, बट मोटे तौर पर हम तीन सेक्शन ही पढ़ेंगे, 15, 16, 17। आज की क्लास में मैं आपको सेक्शन करवाऊंगा 15। 15 में कोई सबसेक्शन नहीं है, कोई सबसेक्शन नहीं है, केवल एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15, जो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं मयूर, अभी तो ठीक है, वॉइस मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम करेंगे केवल एक सेक्शन डिस्कस, सेक्शन नंबर 15, और बाकी जो दो सेक्शंस होंगे 16 और 17, ये हमारी आने वाली क्लासेस में डिस्कशन के दौरान कवर किए जाएंगे। सेक्शन 16 के अंदर सब सेक्शन भी मिलेंगे आपको और क्लॉजेस भी मिलेंगे, सेक्शन 17 के अंदर सब सेक्शन भी मिलेंगे और क्लॉजेस भी मिलेंगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नहीं। एक और बात समझिएगा, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, मतलब कोई भी हेड जब आप पढ़ते हैं, हेड ऑफ इनकम, तो उस इनकम का हेड जब भी शुरू होता है तो उस हेड का जो सबसे पहला सेक्शन होता है, सबसे पहला सेक्शन होता है वो हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है, वो हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन एक मैग्नेट है, चार्जिंग सेक्शन एक मैग्नेट की तरह से काम करती है, जिस मैग्नेट का काम केवल इतना होता है कि कौन-कौन सी इनकम इस घर में टैक्सेबल होंगी। जैसे आपको मैंने 5 हेड बताए, पहला हेड मैंने आपको बताया सैलरी, पहला हेड मैंने आपको बताया इनकम अंडर हेड सैलरी, दूसरा हेड मैंने आपको बताया हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड फिर मैंने आपको बताया पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हर हेड की अपनी एक चार्जिंग सेक्शन है, हर हेड का अपना एक मैग्नेट है जिसका काम केवल इतना है कि वो मैग्नेट ये बताएगी कि कौन-कौन सी इनकम मेरे घर में टैक्सेबल होंगी, कौन-कौन सी इनकम मेरे घर में टैक्सेबल होगी। तो आप क्या करेंगे, उस मैग्नेट को लेके घूमेंगे, जहां जहां वो मैग्नेट किसी इनकम को चिपका कर अपने घर में ले आए तो इसका मतलब वो उस घर की इनकम है, और अगर कोई इनकम उस मैग्नेट से ना चिपके तो वो इसका मतलब उस घर की इनकम नहीं है, फिर वो किसी और घर की इनकम है। तो सेक्शन 15 सैलरी का मैग्नेट है, तो सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन है, जो इनकम अंडर द हेड सैलरी के लिए चार्जिंग सेक्शन है। हाउस प्रॉपर्टी का भी अपना एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22। पीजीबीपी का भी अपना एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45। सबसे पहला पहला सेक्शन होता है ये उस हेड का। कैपिटल गेन का भी, सॉरी पीजीबीपी का 28 है, पीजीबीपी का 28 है, कैपिटल गेन का 45 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 56 है। तो ये चार पांच सेक्शंस हैं जो हर हेड में एक मैग्नेट की तरह से काम करेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि कौन-कौन सी इनकम आपकी इस हेड में टैक्सेबल होंगी। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। आइएगा एक छोटी सी बात और समझिएगा, कोई भी चार्जिंग सेक्शन, कोई भी चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि कौन कौन सी
इनकम इस हेड में टैक्सेबल, इस हेड में टैक्सेबल होंगी। ये बात आप लिखिएगा सबसे पहले, कहां पर लिखेंगे आप? यहां पर लिखेंगे कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होंगी। अब आइएगा चैप्टर की शुरुआत यहां से होगी आपके। ऑल योर अटेंशंस ऑन द बुक एंड मी। मैं अब जो बोलने जा रहा हूं, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझनी है बातें। सेक्शन 15, 16 एंड 17 ऑफ द इनकम टैक्स डील्स विद द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। सेक्शन 15, 16, 17 हम तीन सेक्शंस इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड पैराग्राफ आप छोड़ दीजिएगा, थर्ड पैराग्राफ पे आइए। एनी इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। अंडरलाइन द वर्ड। एनी इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा अगर पैसा देने वाले और लेने वाले के बीच में, तो आप उसे कहेंगे सैलरी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने मुझे फीस दी, आप कौन है पेयर? मैं हूं पेई। आप कौन है पेयर? मैं हूं पेई। जो आपने मुझे फीस दी, वेदर इट इज अ सैलरी और नॉट, क्या वो इस हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? आंसर यस और नो। नो बोलने वाले बताएं क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नो? बिकॉज, 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 बोलो फटाफट से बोलो, बिकॉज हम एम्प्लॉय नहीं है। अरे आप एम्प्लॉय नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। हाँ, बिकॉज यू आर नॉट एम्प्लॉयर। नहीं, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। क्या आप मेरे एम्प्लॉयर हैं? नो। क्या मैं आपका एम्प्लॉय हूं? नो। तो अगर आप मुझे पैसा देंगे तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। सर कैसे माना जाएगा, कैसे माना जाएगा कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? कैसे माना जाएगा दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? कैसे प्रूव करोगे आप, कैसे प्रूव करोगे आप कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है। हाउ द थिंग्स टू बी डन, हाउ द थिंग्स टू बी डन, हु विल डू दी थिंग्स, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा? जब ये सारे कंट्रोल आ जाते हैं, जब ये सारे कंट्रोल आ जाते हैं, तो माना जाता है कि पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, तभी केवल तभी वो इनकम इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जाकर टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी इनकम उस हेड में टैक्सेबल नहीं होने वाली। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? सो देखिएगा, द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड बी अ मास्टर एंड सर्वेंट। तो एक होगा उसमें मास्टर, एक होगा उसमें सर्वेंट, एक होगा उसमें मास्टर, एक होगा सर्वेंट। अ मास्टर इज वन, मास्टर कौन है? हु नॉट ओनली डायरेक्ट व्हाट एंड व्हेन अ थिंग्स टू बी डन बट हाउ इज टू बी डन। एंड सर्वेंट इज नॉट ओनली वन हु इज बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मास्टर। तो मास्टर कौन है जो आपको ये बताएगा कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा?
और सर्वेंट कौन है? जो हुक्म मानेगा, जो हुक्म मेरे आका। तो सर्वेंट कौन है? जो हुक्म मेरे आका, जैसा मेरे मालिक बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। मुझे बताइए, आप आर्टिकलशिप पर जाते हैं, आप आर्टिकलशिप पर जाते हैं, आपको स्टाइफंड मिलता है, कौन से हेड की इनकम बनाओगे इसे? कौन से हेड की इनकम बनाओगे स्टाइफंड को? बताइए, आपको मिलने वाला स्टाइफंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर आधारित है या नहीं है? क्या आपका वो सीए आपका एम्प्लॉयर है? क्या आपका वो सीए आपका एम्प्लॉयर है? दो आंसर आए हैं अलग अलग। मयूर कह रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मयूर, क्या ये सैलरी नहीं है? मयूर, क्या ये सैलरी नहीं है? क्यों? क्या आपका प्रिंसिपल आपको नहीं बोलता अभी आईटीआर भरनी है, इसकी भरनी है और ऐसे भरनी है, अभी ऑडिट पे जाना है, आज ही जाना है और यहां जाना है, इसकी अकाउंटिंग करनी है, अभी करनी है, ऐसे करनी है, बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये सैलरी नहीं है? क्या ये फिर भी सैलरी नहीं है? सोचिए। हाँ, इट इज अ सैलरी, इट इज अ सैलरी। ठीक है, चल सकते हैं आगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। सुजाता एक एक्ट्रेस है, चोपड़ा फिल्म्स में काम करती है। वेयर शी इज पेड अ मंथली रेमुनरेशन ऑफ ₹2 लाख। शी एक्ट इन अ वेरियस फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर। द रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म इज डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म्स बाय अ डिफरेंट प्रोड्यूसर। चोपड़ा फिल्म से एक फिल्म ग्रुप है, अलग अलग प्रोड्यूसर आते हैं चोपड़ा फिल्म को, कहते हैं कि ये जो तुम्हारा एक एम्प्लॉय है सुजाता, या तुम्हारी जो एक एम्प्लॉय है सुजाता, इसे हमारी मूवीज में शूटिंग के लिए भेज दो, लेकिन इसकी जो पेमेंट होगी वो बाकी प्रोड्यूसर सीधा का सीधा चोपड़ा फिल्म्स को करेंगे। सुजाता को जो पेमेंट मिलेगी वो चोपड़ा फिल्म से मिलेगी, बाकी प्रोड्यूसर उसे कोई पैसा नहीं देंगे। मुझे बताइए, इस केस में सुजाता को जो मिलेगी सैलरी चोपड़ा फिल्म से, सुजाता को जो मिलेगी इनकम चोपड़ा फिल्म से, क्या वो सैलरी इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। देखिए, केस को मैं फिर बता देता हूं। यहां पर एक ग्रुप है चोपड़ा फिल्म, यहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, अलग अलग मूवी के ग्रुप्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। यहां पर एक सुजाता है, सुजाता चोपड़ा फिल्म की एम्प्लॉई है, लेकिन ये चोपड़ा फिल्म की फिल्मों में काम करने के अलावा इन सभी लोगों की फिल्मों में भी काम करती है, लेकिन इन लोगों से जो सैलरी मिलती है वो सीधा सुजाता को नहीं मिलती, वो सीधा सुजाता को नहीं मिलती। ये लोग सभी अपना पैसा चोपड़ा फिल्म को देते हैं और चोपड़ा फिल्म देन सुजाता को पेमेंट करती है ₹2 लाख महीने पर। तो बताइए, सुजाता और चोपड़ा फिल्म के बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? आप सभी ने आंसर किया है होगा। तो इसका मतलब ये ₹2 लाख क्या सैलरी इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? द आंसर इज यस, इट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी इनकम। आगे पढ़िएगा। इन दिस केस ₹2 लाख विल कॉन्स्टिट्यूट सैलरी इन द हैंड्स ऑफ सुजाता सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट बिटवीन द चोपड़ा फिल्म्स एंड सुजाता। एग्जाम्पल नंबर टू देखिएगा। इन द अबव एग्जाम्पल इफ सुजाता एक्ट्स इन अ वेरियस फिल्म्स एंड गेट फी फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोड्यूसर,
द सेम इनकम विल बी चार्जेबल एज, बताइएगा। सुजाता ने इन सभी प्रोड्यूसर्स के लिए काम किया, लेकिन इस बार उसने अपनी पेमेंट चोपड़ा से ना लेकर उन फिल्म वालों से ही ले ली, उन फिल्म वालों से ही ले ली, बताइए क्या इस बार ये सैलरी इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? जो इनकम उसने ए प्रोड्यूसर, बी प्रोड्यूसर, सी प्रोड्यूसर से ली अपार्ट फ्रॉम चोपड़ा फिल्म्स, क्या ये उसके लिए बिजनेस इनकम सैलरी इनकम होगी या नहीं होगी? द आंसर इज नो, इट विल बी अ पीजीबीपी, इट विल बी अ पीजीबीपी। सो एज द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, सिंस द रिलेशन ship of employer and employee does not exist between the Sujata and film producer. Clear है? Clear है यहां तक? एक बात बताइएगा, कंपनी को कौन चलाता है, कंपनी को कौन ऑपरेट करता है, कंपनी के decisions कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टर्स। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को सैलरी पे करती है, तो क्या क्या वो इनकम डायरेक्टर के हाथ में इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी? अगर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है, रेम्यूनरेशन पे करती है, तो वो रेम्यूनरेशन डायरेक्टर के हाथ में इनकम अंडर हेड सैलरी है या पीजीबीपी है? भरत कह रहे हैं पीजीबीपी है, मयूर कह रहे हैं पीजीबीपी है, सोच लीजिए एक बार, सोच लीजिए एक बार। भरत कह रहे हैं अब सैलरी है, पहले पीजीबीपी था अब सैलरी हो गई। मयूर, व्हाई इट इज पीजीबीपी, क्यों है पीजीबीपी बताओ? इट इज नॉट अ पीजीबीपी। आपको लग रहा है ऐसा कि सर डायरेक्टर तो मालिक होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर तो मालिक होते हैं कंपनी के, गलत जवाब, गलत जवाब। डायरेक्टर मालिक नहीं होते कंपनी के, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डरों ने, शेयर होल्डरों ने डायरेक्टर अपॉइंट किए होते हैं। और डायरेक्टर भी क्यों अपॉइंट किए होते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर ये कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है डे टू डे रूटीन बेसिस के डिसीजन कंपनी के लिए ले पाना, तो आप हमारे बिहाफ पर डे टू डे रूटीन के बिजनेस के डिसीजन लीजिए। लेकिन स्टिल डायरेक्टर आर द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर मालिक नहीं है कंपनी के, डायरेक्टर तो एम्प्लॉई हैं, जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है और जिन्हें कभी भी लाया जा सकता है। और इनका काम केवल क्या है? डे टू डे रूटीन के डिसीजन को लेना, डे टू डे रूटीन के डिसीजन को लेना। तो डायरेक्टर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर आर जस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये किसके कहने से काम करते हैं डायरेक्टर, बताइए किसके कहने से काम करते हैं? शेयर होल्डर के। किसके कहने से चलते हैं ये? शेयर होल्डर के। तो इसलिए डायरेक्टर को जो सैलरी दी जाएगी, डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दी जाएगी, वो डायरेक्टर के लिए सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी, वो डायरेक्टर के लिए सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को? सैलरी टू डायरेक्टर आर टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, बताइए डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है, आइएगा एग्जाम्पल नंबर थ्री।
कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इज अ सैलरी। कमीशन अगर मिलता है, कमीशन अगर मिलता है डायरेक्टर को फ्रॉम अ कंपनी इज अ सैलरी। इफ इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है। सुनिएगा एक और बात, आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, डायरेक्टर के टाइप पढ़े होंगे, एक होता है फुल टाइम डायरेक्टर और एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। पार्ट टाइम डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सुना है या नहीं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुना है, यस और नो? ये जो फुल टाइम डायरेक्टर है ये एम्प्लॉय है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये एम्प्लॉय नहीं है, नॉट एन एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नहीं है। आइए वापस, कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इज अ सैलरी इफ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इफ हाउ एवर द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द सेड कमीशन कैन नॉट बी चार्ज टू सैलरी बट हैज टू बी चार्ज ईदर एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और अंडर द हेड अदर सोर्स डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। तो अगर डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय है तो उसको जो आप कमीशन देंगे, उसको जो आप कमीशन देंगे वो सैलरी की इनकम में माना जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस केस में जो आप उसे कमीशन देंगे वो या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या पीजीवीपी में कहीं एक जगह पर जाकर टैक्सेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट ऑफ द केसेस। भरत कह रहे हैं अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो बता तो दिया भरत, उस केस में वो इनकम उसकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, या तो अदर सोर्स या पीजीवीपी एज द केस मे बी। बनाइएगा इसको, यहां पर मैं आपको चार्ट बनवा रहा हूं इसका, सभी लोग साइड वाले पेज पर बनाएंगे डायरेक्टर्स। फुल टाइम डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर, एम्प्लॉय होते हैं, इनकम टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। पार्ट टाइम डायरेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, इफ एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय है तो अगर वो एम्प्लॉय है तो उस केस में इनकम सैलरी में चली जाएगी। इफ नॉट एम्प्लॉय तो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या फिर पीजीबीपी में चली जाएगी, और अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या पीजीबीपी में इनकम जाएगी।
यस, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? चल सकते हैं आगे? बताइए, आगे चल सकते हैं? एक और बात बताइएगा छोटी सी, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, क्या ये इनकम अंडर हेड सैलरी में है या फिर कहीं और है? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है, क्या ये सैलरी इनकम अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल होगी या कहीं और होगी? क्लियर? बताने वाली बात नहीं है, पहले ही ऑलरेडी बताई जा चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 4, सैलरी पेड टू पार्टनर बाय फर्म इज नथिंग बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म शेल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। आप इसे सैलरी नहीं मानेंगे। द सेम इज टू बी चार्ज एज द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। दिस इज प्राइमरली बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड इट्स पार्टनर इज नॉट दैट ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। क्या बताइए, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है? क्या पार्टनरशिप फर्म कभी अपने पार्टनर को कह सकती है तुम्हें ये काम करना है, तुम ही करोगे, ऐसे ही करोगे, जैसे कह रहा हूं वैसे करोगे? नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म तो कुछ होती ही नहीं है, वो तो केवल एक फिक्टिशियस पर्सन है, वो तो अदृश्य पर्सन है, उसे तो कौन चलाता है? पार्टनर चलाते हैं, ठीक है? तो पार्टनर आर दी ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। सिंस दे आर दी ओनर, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो पैसा देने वाले और लेने वाले के बीच में जब ये रिलेशन ही नहीं होगा, तो वो इनकम आपकी सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्लियर है यहां तक? एक बात बताइएगा, सीए इंस्टीट्यूट सीएस को बुलाता है एग्जामिनर की तरह से दो काम के लिए। पहला काम पेपर चेक करने के लिए और दूसरा काम पेपर सेट करने के लिए। एक पेपर चेक करने के लिए, एक पेपर सेट करने के लिए। आपके पेपर कौन चेक करता है? सीए चेक करते हैं। और वो लोग जो सीए इंस्टीट्यूट के पैनल में रजिस्टर्ड हैं टू चेक दैट पेपर, मींस वो पैनल में है एज एन एग्जामिनर। जब सीए इंस्टीट्यूट पेपर चेक करवाता होगा, तो क्या सीए इंस्टीट्यूट कहता होगा आपको पेपर ऐसे चेक करना है, यहां पर आपको इतने नंबर देने हैं, वहां पर आपको ऐसे मार्क्स देने हैं? क्या इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है या नहीं कहता है? या एग्जामिनर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से ही पेपर चेक कर देता है, जहां मन किया 2 दे दिए, जहां मन किया 5 दे दिए, जहां मन किया काट दिया? बताइए, इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस देता है यह एग्जामिनर अपनी मर्जी से काम करता है? बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं आपको। इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन किसने दी? आईसीएआई ने। किसको दी? एग्जामिनर को दी। अब एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है, तो बदले में उसे पैसे भी मिलते होंगे। क्या ये पैसा इनकम अंडर हेड सैलरी है? क्या ये पैसा इनकम अंडर हेड सैलरी है या इनकम अंडर हेड सैलरी नहीं है? बताइएगा।
आपने अभी बोला, आपने अभी बोला सर आईसीएआई इंस्ट्रक्शंस देता है, इसका मतलब आईसीएआई कंट्रोल कर सकता है, आईसीएआई कह सकता है कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, बट फिर भी ये सैलरी नहीं है। क्या आईसीएआई और सीए के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है? द आंसर इज नो। सीए इंस्टीट्यूट ये तो कहता है, गाइडलाइंस तो देता है ऐसे चेक करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट ये थोड़ी कहता है अभी चेक करना है, रात में नहीं करना, दिन में नहीं करना, कि दोपहर में मत करना, कि घर पे मत करना, कि वहां मत करना, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं देता ना इंस्टीट्यूट। इसका मतलब इंस्टीट्यूट उस एग्जामिनर को बांध नहीं सकता, उस एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है इन दी फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस, ना कि कब करेगा कैसे करेगा, इस बारे में वो नहीं बांध सकता। तो ऐसे में आईसीएआई द्वारा दी गई फीस एग्जामिनर के हाथ में सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? क्लियर है यहां तक? एक बात बताइए, आईसीएआई का अपना स्टाफ, आईसीएआई का अपना स्टाफ अगर इंस्टीट्यूट उसे कह दे कि आप पेपर चेक कर दो, अगर आईसीएआई अपने ही स्टाफ को कह दे आप पेपर चेक कर दो, अब उसको जो सैलरी मिलेगी क्या वो अब सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? अब हो जाएगी। बताइए पेपर सेटर, पेपर सेटर जो पेपर बनाता है आपका, उसको एग्जामिनर इंस्टीट्यूट की तरफ से फीस मिली, बताइए पेपर सेटर की फीस सैलरी में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। पढ़िएगा मेरे साथ, फॉलोइंग फॉलोइंग इनकम शेल नॉट बी ट्रीटेड एज सैलरी एज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट। पहला पॉइंट, सैलरी पेड टू लेक्चरर ऑफ कॉलेज अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड गेट वाइस प्रिंसिपल अलाउंसेस। तो अगर कोई लेक्चरर है जो वाइस प्रिंसिपल बन गया है कॉलेज का, तो उसको जो अमाउंट देंगे आप, उसको जो अलाउंसेस देंगे आप, वो आपकी सैलरी की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को कोई कंट्रोल नहीं करता, वाइस प्रिंसिपल एक तरह से खुद ओनर हो जाता है फॉर द टाइमिंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए फ्रॉम गवर्नमेंट हाउ एवर सैलरी रिसीव बाय मिनिस्टर इन दी गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। देखिए दो चीजें होती हैं, आपको समझा देता हूं, दो चीजें होती हैं। एक गवर्नमेंट के अंदर होते हैं एमपी एमएलए और एक होते हैं मिनिस्टर्स। क्या आपको पता है क्या फर्क होता है मिनिस्टर्स में और एमपी एमएलए में? क्या आपको मालूम है एमपी एमएलए और मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस होता है? पार्टिसिपेशन आपका बिल्कुल जीरो हो गया है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपका। सुनिए, एमपी एमएलए वो है जिन्हें आपने इलेक्ट किया है, आपके एरिया का एक एमपी है, आपके एरिया का एक एमएलए है। हमारे देश में 546 एमपी हैं, लेकिन क्या ये 546 एमपी मिलकर देश चलाते हैं? क्या ये 546 एमपी मिलकर देश चलाते हैं? नहीं, इसमें से कुछ एमपी मिनिस्टर्स बनते हैं, इसमें से कुछ एमपी मिनिस्टर्स बनते हैं, और ये मिनिस्टर्स मोदी जी के साथ रहते हैं, ये मिनिस्टर्स मोदी जी के साथ रहते हैं। इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री, इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री। हर एक डिपार्टमेंट किसी एक मिनिस्टर के पास होता है, रेल डिपार्टमेंट एक के पास होगा, दूर संचार एक के पास होगा, विदेश मंत्रालय किसी के पास होगा। तो इस तरह से हमारे देश को जो चलाती है वो एमपीज नहीं चलाते, कैबिनेट मिनिस्ट्री चलाती है, और इन्हीं एमपीज में से कुछ लोग मिलकर
कैबिनेट बनाते हैं, इन्हीं एमपीज में से कुछ लोग मिलकर कैबिनेट में जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति एमपी होता है, एमएलए होता है, तो उसे सैलरी मिलती है क्योंकि वो एमपी है और एमएलए है। और जब वही व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है तो उसे और सैलरी मिलती है क्योंकि वो मिनिस्टर बन गया है, क्योंकि वो मिनिस्टर बन गया है। मुझे बताइए, एमपी और एमएलए को कोई कंट्रोल करता है क्या? क्या एमपी और एमएलए को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एमपीज एंड एमएलए आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। इसलिए एमपी और एमएलए को जो सैलरी दी जाती है, वो जो इनकम दी जाती है, वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं मोदी जी, मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं मोदी जी। मोदी जी कहते हैं मिनिस्टर को ये काम करना है तो करना है। मोदी जी कहते हैं ये मिनिस्टर ये वाला काम अब करेगा, ऐसे करेगा, और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करेगा। तो यहां पर जो मिनिस्टर्स को सैलरी दी जाती है, मिनिस्टर्स को जो सैलरी दी जाती है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। देखिएगा, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एमपी एमएलए फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको आप सैलरी हेड में नहीं लेंगे। लेकिन हाउएवर, सैलरी रिसीव्ड बाय मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। क्लियर? बताइए, कोई डाउट है यहां तक? लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड और दो पॉइंट है इसके बाद। एनी सैलरी रेमुनरेशन बोनस कमीशन ड्यू और रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम फर्म वेयर ही इज अ पार्टनर शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो ये वाली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोई भी सैलरी, कोई भी रेमुनरेशन, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन जो कि फर्म द्वारा अपने पार्टनर को दिया जाएगा, वो सैलरी की इनकम नहीं होगी। रेमुनरेशन एमएलए नहीं मिलता, मिलता है भरत, एमएलए को रेमुनरेशन मिलता है फंड्स के नाम पर। सैलरी इंक्लूड इनकम रिसीव्ड एज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयड। मैं अगर किसी कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूं, मैं रात को नौकरी करने जाता हूं 4 घंटे के लिए, लेकिन नौकरी तो नौकरी ही है, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो इनकम आपको मिल रही है वो सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल की जाएगी। क्लियर? क्लियर है हम यहां तक? एक और बात समझिएगा ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर, कभी कभी जरूरत पड़ने पर अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि आप अपनी सैलरी सरेंडर कर दो, आप अपनी सैलरी सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब, सपोज करिए ये एम्प्लॉय 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इस एम्प्लॉय को, आप अपनी सैलरी सरेंडर कर दो, छोड़ दो हमारे ऊपर सैलरी, थोड़ी सी मेहरबानी करके आप हमसे सैलरी मत लो। तो इस एम्प्लॉय ने बोला, ठीक है मोदी जी, आपने हमें बोला सैलरी छोड़ दो, तो हमने 1 लाख रुपए सैलरी फोरगो कर दी, अब आप हमें केवल 3 लाख रुपए ही पे करना। तो जो ये 1 लाख रुपए की सैलरी छोड़ी जा रही है, ये 1 लाख रुपए की सैलरी सरेंडर हो रही है, सरेंडर हो रही है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आप इस 1 लाख रुपए को सैलरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? द आंसर इज नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? लिखा है लॉ में, एनी सैलरी सरेंडर बाय द एम्प्लॉय टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी शैल नॉट
बी अ पार्ट ऑफ द इनकम अंडर हेड सैलरी। अंडरलाइन करिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बच्चे का क्वेश्चन आया लास्ट बैच में मेरे पास, सर अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना होकर स्टेट गवर्नमेंट होती और कोई पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपनी सैलरी सरेंडर कर रहा होता तो क्या उस केस में उसे भी सैलरी नहीं मानते? बट ऐसा नहीं है। इफ यू सरेंडर योर सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ यू सरेंडर योर सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट देन ओनली दैट अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर एज सैलरी। अदरवाइज आपने स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में अपनी सैलरी छोड़ी है तो आप उसे सैलरी मानेंगे, आप उसे सैलरी मानेंगे। क्लियर है यहां तक? बताइए कोई डाउट है यहां तक किसी को? ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको आज नहीं करेंगे। आइए मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करते हैं, प्लेस ऑफ अक्रूअल ऑफ सैलरी। सैलरी कहां पर अक्रू होती है? सैलरी कहां पर अक्रू होती है? सीधी सी बात बताऊंगा आपको, सीधी सी बात, ध्यान रखिएगा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड रहेगा। जहां पर आपने सर्विस दी, जहां पर आपने सर्विस दी सैलरी वहां अक्रू होती है। जहां पर आपने सर्विस दी सैलरी वहां अक्रू होती है। अगर आपने इंडिया में सर्विस दी तो इंडिया में अक्रू होती है, लेकिन अगर आपने विदेश में जाके सर्विस दी तो सैलरी कहाँ अक्रू होगी? विदेश में। अगर आप कह रहे हैं विदेश में होगी तो याद करिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर, जहां पर मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, इनकम अक्रू और डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, जिसमें कहा गया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर इंडियन है, अगर आपका एम्प्लॉयर इंडियन है तो उस केस में आपकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, इंडिया में अक्रू होगी, भले ही आपने सर्विस इंडिया के बाहर जाकर दी हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, जहां सर्विस देंगे सैलरी वहां अक्रू होगी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर इंडियन है और आपने सर्विस बाहर दी है तो उसे आप डीम टू बी अक्रू इन इंडिया मान लेंगे। देखिएगा, सैलरी विल बी डीम टू अक्रू और अराइज एट अ प्लेस वेयर द सर्विस आर रेंडर इफ सर्विस आर रेंडर इन इंडिया एंड सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ सच सर्विस आर रेंडर आउटसाइड इंडिया इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर आपको सैलरी बाहर मिल रही है, इंडिया के बाहर मिल रही है, लेकिन आपने सर्विस इंडिया में दी थी तो आपकी वो इनकम मान ली जाएगी कि वो इंडिया में ही अक्रू और अराइज हुई है। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, पोस्टेड हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एम्बेसडर। ऑब्वियसली ही रेंडर हिज सर्विस आउटसाइड इंडिया, ही ऑल्सो रिसीव हिज सैलरी आउटसाइड इंडिया, ही इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट। द क्वेश्चन देयर फॉर अराइज वेदर ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हिम आउटसाइड इंडिया। बताइए क्या वो एग्जेम्पशन ले पाएगा? क्या वो एग्जेम्पशन ले पाएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो एम्बेसी में काम करते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, नहीं होगी प्रीथल। अच्छा हाँ, आप कह रहे हो एग्जेम्पशन ले पाएगा, बिल्कुल ठीक है। सो सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड सैलरी। हाउ एवर एनी परक्यूजिट और अलाउंसेस रिसीव आउटसाइड इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आइएगा इसका एक चार्ट बनाइएगा मेरे साथ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड इन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया, इसको अगर आप सैलरी देंगे टैक्सेबल होगी इन इंडिया, अगर आप इसको अलाउंसेस देंगे, अगर आप इसको परक्यूजिट्स देंगे,
परक्यूजिट्स क्या होते हैं, परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स क्या होते हैं? बताइए परक्यूजिट्स क्या होते हैं? नॉन कैश बेनिफिट्स। Like house, car, facilities, ये सब परक्यूजेट्स हैं। नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। यस, लैपटॉप एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक? आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना शुरू करेंगे अब हम। चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इनकम, चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी इनकम। मेरे साथ साथ इस लाइन को पढ़िएगा। सैलरी इनकम शैल बी चार्जेबल, सैलरी इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। जो सैलरी इनकम होगी आपकी वो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर आपकी इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। हिंदी मीनिंग बता देता हूं, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। आपकी सैलरी आपके हाथ में तब टैक्सेबल होगी जब या तो वो ड्यू हो जाएगी या वो आप रिसीव कर लेंगे विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगा उस बेसिस पर आपकी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। एक बात समझिएगा एग्जाम्पल के साथ, इसको देखते हैं। मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मेरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके बाद यहां पर आ गया फरवरी एंड मार्च। ये मेरी सैलरी ड्यू होती है 30th को, 31st को, 30th को, 31st को, 31st को, 31st, सॉरी 30th, 31st, 30th, 31st, 28th एंड 31st। एनालिसिस करते हैं अब इस बात का। एनालिसिस सपोज कीजिए, सपोज कीजिएगा, मेरे साथ साथ अब आंसर चाहिए मुझे आप सभी से। सपोज कीजिए ये जिस दिन ड्यू होती है उसी दिन मुझे मिल जाती है, सेम डे मेरी सैलरी जिस दिन ड्यू होती है मेरा एम्प्लॉयर उसी दिन मुझे सैलरी दे देता है, तो बताइए मुझे अप्रैल की सैलरी उसी दिन मिल जाएगी? यस। मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की भी सैलरी मुझे उसी दिन मिल जाएगी? द आंसर इज यस। क्या मार्च की भी सैलरी मुझे उसी दिन मिल जाएगी? द आंसर इज यस। मान के चलते हैं हर महीने की सैलरी 20,000 रुपए है, मान के चलते हैं हर महीने की सैलरी 20,000 रुपए है, मुझे बताइए आपको पूरे साल में कितनी सैलरी मिली? आपको पूरे साल में कितनी सैलरी मिली? पूरे साल में आपने कितनी सैलरी रिसीव करी? 2,40,000। और कितनी सैलरी आपकी ड्यू हुई थी? कितनी सैलरी आपकी ड्यू हुई थी? 2,40,000।
सर ड्यू हुई थी 30 तारीख को, मिल भी गई 30 तारीख को, तो एक ही बात है, जितनी ड्यू हुई उतनी मिल गई, जितनी ड्यू हुई उतनी मिल गई, जितनी ड्यू हुई उतनी मिल गई। क्लियर है यहां तक? सपोज करिए मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं, मैं ये कहूं जो सैलरी आपकी अप्रैल में ड्यू होती है, जो सैलरी आपकी अप्रैल की 30 तारीख को ड्यू होती है, आपका एम्प्लॉयर उस सैलरी को अगले महीने की 1 तारीख को पे करता है, आपका एम्प्लॉयर उस सैलरी को अगले महीने की 1 तारीख को पे करता है, तो मुझे ये बताइए आपकी टोटल सैलरी ड्यू कितनी हुई है इस साल में, ड्यू कितनी हुई है इस साल में, ड्यू, मेरा पहला क्वेश्चन है, ड्यू कितनी हुई है इस साल में? दो चालीस। और आपको मिली कितनी है, आपको मिली कितनी है, रिसीव कितनी हुई है आपको? दो लाख 20 हजार। आप टैक्स कितने पर देंगे, आप टैक्स कितने पर देंगे, 240 पर या 220 पर? आपको टैक्स कितने पर देना है, 220 पर या 240 पर? 240 पर। क्लियर? क्लियर है? यस और नो? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी सैलरी ड्यू होती है, आपकी सैलरी ड्यू होती है 30 तारीख ऑफ द मंथ, 30th ऑफ द मंथ, मतलब जो भी आखिरी दिन होता है महीने का उस दिन, 30 या 31 एज द केस मे बी, लेकिन आपको सैलरी मिल जाती है, लेकिन आपको सैलरी मिल जाती है 2 दिन पहले, आपकी सैलरी ड्यू होती है 30 तारीख या 31 तारीख को, लेकिन आपको मिल जाती है 2 दिन पहले, इसका मतलब आखिरी दिन से 2 दिन पहले आपको सैलरी मिल जाती है, तो मुझे बताइए पूरे साल में सैलरी ड्यू कितनी हुई है, ड्यू कितनी हुई है, ड्यू कितनी हुई, 240। मिली कितनी, मिली कितनी, 240। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट है किसी को यहां पे? एक और एग्जांपल लीजिए, राम ड्रॉ सैलरी ऑफ रुपीज 30,000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, एंड ही ड्रॉ सैलरी ऑफ नेक्स्ट, ही ड्रॉ सैलरी ऑफ 2 मंथ फॉर दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन एडवांस। राम अपनी सैलरी हर महीने की 30 तारीख को ले लेता है, 30 तारीख को ले लेता है, लेकिन मार्च महीने में आकर उसने अपनी 2 महीने की एडवांस सैलरी ले ली, अगले वाले फाइनेंशियल ईयर की एडवांस सैलरी ले ली, बताइए टोटल सैलरी, सैलरी ड्यू कितनी है, ड्यू कितनी है, ड्यू सैलरी ड्यू, तीन लाख 60 हजार। कैसे निकाली है, 30,000 इंटू 12। सैलरी रिसीव्ड कितनी है, रिसीव्ड 3,60,000 प्लस 60,000,
आ गया 4,20। बताओ इनकम टैक्स कितने पर देगा, 360 पर या 4,20 पर? इनकम टैक्स कितने पर देगा, 4,20 पर या 360 पर? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। तो क्योंकि ये 60,000 उसे पहले मिल गया, 4,20,000 रुपए पर आप टैक्स पे करोगे। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी रिसीव कितनी होगी, रिसीव कितनी होगी नेक्स्ट ईयर, उसको सैलरी मिलेगी कितनी, 30,000 इंटू 30,000 इंटू 10, 3,00,000। लेकिन ड्यू कितनी होगी, ड्यू कितनी होगी, टैक्स कितने पर देगा, टैक्स कितने पर देगा, क्यों 3 पर? क्योंकि सर 60,000 रुपए पर वो पिछले साल टैक्स दे चुका है। क्लियर है मियां तक, कोई दिक्कत? क्योंकि 60,000 पर वो पिछले साल टैक्स दे चुका है। एग्जाम्पल एक और, राम ड्रॉ सैलरी ऑफ ₹40,000 पर मंथ, बट सैलरी ऑफ फेब एंड मार्च इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की तरफ से उसे सैलरी मिली ही नहीं, कौन से महीने की, फरवरी और मार्च की। बताइए रिसीव्ड कितना होगा, रिसीव्ड कितना होगा, 40,000 इंटू 10 महीने। ड्यू कितना होगा, 40,000 इंटू 12 महीने। बताइए टैक्सेबल कितना होगा, 4,80। क्लियर है मैं यहां तक? नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर राम को फरवरी और मार्च की जो सैलरी रुकी हुई थी वो मिल गई, वो मिल गई। तो अगले साल रिसीव्ड कितना होगा, 40,000 इंटू 12 प्लस 40,000 इंटू 2, पांच लाख 60,000। ड्यू कितना होगा, 1,00,000 कितना होगा, समझ गए हैं सभी लोग? हाँ सर हम समझ गए हैं। और हमने तुक्का वो रट्टा मार लिया है। रट्टा क्या मारा है हमने, हमने रट्टा ये मारा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे ठीक कर दीजिएगा उसी वक्त, अगर मैं कहीं गलत बोलूंगा तो मुझे ठीक करिएगा। सर हमने रट्टा मार लिया है, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज हायर, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज हायर,
विच एवर इज हायर टैक्सेबल हो जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर नॉट हायर। देखिए आपको लगेगा, एक बार को आपके मन में भावना आएगी विच एवर इज हायर, लेकिन इस वाले केस में आप देखिए विच एवर इज हायर है, अगले वाले केस में देखिए विच एवर इज हायर नहीं है। आप देख पा रहे हैं मेरी बात को? इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो विच एवर इज हायर है, 360 और 420 में से मैंने 420 ले लिया था, लेकिन अगले वाले केस में देखिए 3 लाख और 360 में से मैंने 3 लिया था। तो सर हम रट लेंगे इस बात को भी, ऐसे रट लेंगे, पहले वाले केस में विच एवर इज हायर, दूसरे वाले केस में विच एवर इज लोअर, पहले वाले केस में विच एवर इज हायर, दूसरे वाले केस में विच एवर इज लोअर, ये रटेंगे या सीधे सीधे बात समझेंगे विच एवर इज अर्लियर, सिंपली विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां तक? आइए वापस से मेरे साथ। सैलरी इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, सैलरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी फॉर द इनकम टैक्स ऑन अ ड्यू बेसिस और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो अगर ड्यू पहले हो गया है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर रिसीव्ड पहले हो गया है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात को सोच के बताइएगा, समझ के बताइएगा। अगर मैंने किसी इनकम को ड्यू बेसिस पे इनकम में इंक्लूड कर लिया, अगर मैंने किसी इनकम को ड्यू बेसिस पर इनकम में इंक्लूड कर लिया, तो जब एक्चुअल में वो सैलरी मुझे रिसीव होगी, क्या मैं उस पर दोबारा इनकम टैक्स पे करूंगा? क्या जब एक्चुअल में वो मुझे रिसीव होगी, क्या मैं इनकम टैक्स दोबारा पे करूंगा? नहीं, नो। कोई इनकम मैंने रिसीव बेसिस पर, कोई इनकम मैंने सैलरी रिसीव बेसिस पर टैक्स दे दिया है, क्योंकि मुझे सैलरी मिल गई थी एडवांस में, मैंने उस पर टैक्स दे दिया है, क्योंकि मुझे सैलरी मिल गई थी एडवांस में, मैंने टैक्स दे दिया, तो जब वो सैलरी ड्यू होगी, क्या मैं दोबारा टैक्स दूंगा? क्या मैं दोबारा टैक्स दूंगा? नो। क्लियर? आगे पढ़िएगा। हाउ एवर वेयर एनी सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अ ड्यू और रिसीव्ड बेसिस, इट कैन नॉट बी टैक्सेबल अगेन इन द ईयर इन विच इट बिकम रिसीव्ड और ड्यू एज द केस मे बी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा। इफ ए ड्रॉ हिज सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22 इन द मंथ ऑफ मार्च 22 इटसेल्फ, अगर कोई अपनी अप्रैल की सैलरी मार्च में ही निकाल ले, सेम बिकम चार्जेबल ऑन अ रिसीव्ड बेसिस एंड इट इज टू बी असेस्ड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23। हाउ एवर द सैलरी ऑफ द असेसमेंट ईयर 23-24 विल नॉट इंक्लूड दैट अप्रैल 22। बताइए कोई डाउट है इस एग्जाम्पल में किसी को? एग्जाम्पल ये कहता है अगर किसी ने अपने अप्रैल की सैलरी मार्च में ले ली तो वो उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जब अगले प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो उसमें अप्रैल की सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है पिछले प्रीवियस ईयर में। आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। इफ एनी सैलरी ड्यू फॉर मार्च 22 इज रिसीव्ड बाय ए लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 22, इट इज स्टिल चार्जेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन अ ड्यू बेसिस। ऑब्वियसली सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 विल नॉट इंक्लूड दैट मार्च 22 सैलरी। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो तो मार्च 2022 की ऑलरेडी इनकम बन चुकी है, भले ही वो आपको मिली अप्रैल 22 में है, लेकिन उसे तो आपने इनकम मार्च में ही मान लिया था, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से वो मार्च 22 की इनकम थी, अप्रैल में मिलेगी तो अप्रैल की इनकम नहीं बनेगी। क्लियर है हम यहां तक? बताइए कोई डाउट है किसी को? नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। इफ सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, सैलरी फ्रॉम अप्रैल टू मार्च शैल बी कंसिडर ड्यूरिंग द पीरियड फॉर अ टैक्सेबिलिटी, यस और नो?
अगर कोई सैलरी लास्ट डे पर ड्यू होती है, अगर कोई सैलरी लास्ट डे पर ड्यू होती है तो आप पूरे 12 महीने की सैलरी लेंगे, क्योंकि हर महीने वो उसी उसी सेम मंथ में ड्यू हो जाती है। इफ सैलरी ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर कोई सैलरी अगले महीने के पहले दिन ड्यू होती है तो आप कितने महीने की सैलरी इंक्लूड करोगे, कितने महीने की सैलरी इंक्लूड करोगे। अगर कोई सैलरी अगले महीने की पहले दिन ड्यू होती है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पर ड्यू होती है, तो इस साल में कितने महीने की सैलरी लोगे आप? 11। बिल्कुल ठीक है। सो द सैलरी ऑफ अप्रैल टू फेब्रुअरी शैल बी कंसीडर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक एनालिसिस समझिएगा, एक न्यू एम्प्लॉई फर्स्ट ईयर सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट डे ऑफ मंथ, नेक्स्ट डे ऑफ मंथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोच के जवाब देंगे आप मुझे सभी। फर्स्ट ईयर कितने महीने की सैलरी इंक्लूड होगी, कितने महीने की सैलरी इंक्लूड होगी? फर्स्ट ईयर है एम्प्लॉय का, फर्स्ट ईयर 11। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा? प्रीथल 13 कैसे हो जाएगा, प्रीथल 13 कैसे होगा, 12 ही तो होगा। मैंने कहा है प्रीथल 12 होगा, इसलिए 12 है, या आपको बात समझ आ गई है 12 क्यों होगा? ठीक है, 12 होगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा? बारह। इसका मतलब सर ये पहले साल की ही तो समस्या है, ये समस्या कहाँ है, पहले साल की तो है। यस, पहले साल में ही समस्या है, बाकी तो फिर चेन बनती चली जाती है, फिर तो एक चेन बन गई है ना भाई। क्या चेन है? जो मार्च की है वो अप्रैल में ड्यू होगी, जो मार्च की है वो अप्रैल में ड्यू होगी, तो उसे अगले साल ले लेंगे। लेकिन इसी तरह पिछले साल का भी तो एक महीना इस साल में आके जुड़ेगा, पिछले साल का भी तो एक महीना इस साल में आके जुड़ेगा ना। जो मार्च पिछले मार्च का होगा वो इस अप्रैल में आ जाएगा, तो वो चेन बन जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई जो मैंने बोली है कि पहले साल में दिक्कत है लेकिन उसके बाद चेन बन जाएगी। एक महीना आगे चल रहा है तो एक पीछे से भी तो उठ के आ रहा है ना, एक अगर आगे चल रहा है तो एक पीछे से भी तो उठ के आ रहा है। बताओ क्लियर है ये बात या नहीं? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ विच इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ बट इज पेड ऑन द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सैलरी फॉर विच मंथ विल बी कंसीडर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, बताइएगा। यहां पर मुझे बताइएगा, आप अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी कंसीडर करोगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ड्यू ऑन द लास्ट डे, ड्यू ऑन द लास्ट डे। भरत 11 महीने क्यों आएंगे, 12 आएंगे। ड्यू हो जाती है लास्ट डे पर, तो अप्रैल की अप्रैल में ड्यू हो गई, मई की मई में, फरवरी की फरवरी में, मार्च की मार्च में,
तो अप्रैल से लेके मार्च पूरा आएगा, तो यहां पर आएगा 40,000 × 12, 4,80,000। बाकी लोगों को समझ आई है ये बात? चुप है, कोई जवाब नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। एक्स एबीसी लिमिटेड का एम्प्लॉय है, गेटिंग सैलरी 40,000 पर मंथ, विच इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड पेड ऑन द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कितने महीनों की सैलरी लोगे आप, कितने महीनों की सैलरी लोगे आप? देखिए, अप्रैल की मई में ड्यू हो जाएगी, जनवरी की फरवरी में ड्यू हो जाएगी, फरवरी की मार्च में हो जाएगी, लेकिन मार्च की अप्रैल में होगी। तो मार्च वाली जो अप्रैल में होगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी। तो यहां पर आप लेंगे अप्रैल से लेके फेब, मतलब 40,000 × 11 कितना आ जाएगा? 4,40,000। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। इन द एग्जाम्पल नंबर 7, अज्यूम दैट ही पेड द सैलरी ऑफ अप्रैल 22 एंड मई 22 इन एडवांस, इन मार्च। उसने अप्रैल 22 की और मई 22 की सैलरी कब ले ली है? मार्च 22 में ही ले ली है। बताइएगा, 40,000 × 12 प्लस 40,000 × 2 5,60,000। क्लियर है? क्लियर है हम यहां तक? बताइएगा, मेरे साथ पढ़िएगा एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। एडवांस सैलरी आपको जब मिलती है तभी आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो ड्यू हुई है या नहीं हुई है। हाँ, ये और बात है कि अगर आपने एडवांस सैलरी पर एक बार टैक्स दे दिया है तो जब वो ड्यू होगी तो तब आप उस पर दोबारा टैक्स नहीं पे करेंगे। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। एडवांस सैलरी हमेशा रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज इसका ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो रिसीव पहले आ गया है, ड्यू बाद में आएगा। क्लियर है यहां तक? बताइए, हम क्लियर है यहां तक? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर घर में शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारे खर्चे हैं, मुझे मेरी 6 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए, मुझे मेरी 6 महीने की एडवांस सैलरी दे दीजिए। तो बताइए, इस प्रीवियस ईयर में मुझे 12 महीने मेरी सैलरी प्लस 6 महीने जो मैंने एडवांस लिया, 6 महीने का जो मैंने एडवांस लिया, इस पर इनकम टैक्स देना होगा, यस और नो? 18 महीने की इनकम टैक्स मुझे पे करनी पड़ेगी। मैंने अपने एम्प्लॉयर को अब ऐसे नहीं बोला, मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में बोला। मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर जी मेरे घर में जरूरत है, आप मुझे अगले 6 महीने की सैलरी जितना लोन दे दीजिए, और
धीरे 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 इस लोन को मैं अपने आने वाली सैलरी से चुका दूंगा। अप्रैल की सैलरी बनेगी, मैं आपसे सैलरी नहीं लूंगा, मेरा लोन कम कर देना। मई की सैलरी मिलेगी, सैलरी मत देना, लोन कम कर देना। जून जुलाई अगस्त सितंबर मुझे सैलरी मत देना, मेरे लोन को कम कर देना। इसका मतलब मैंने यहां पर एडवांस एडवांस सैलरी नहीं ली, बल्कि मैंने एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिया है। मैंने यहां पर सैलरी नहीं ली एडवांस, मैंने एडवांस लिया है अगेंस्ट सैलरी। मेरी सैलरी गिरवी रखी हुई है आपके पास, आप मुझे सैलरी मत देना, मुझे उसके बदले एक लोन दे दो। तो बताइए, क्या एडवांस अगेंस्ट सैलरी, क्या एडवांस अगेंस्ट सैलरी को भी टैक्सेबल किया जाएगा? क्या इसको भी टैक्सेबल किया जाएगा ऑन अ ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पर? यस और नो, यस और नो। बाकी लोग का क्या आंसर है? बाकी लोगों का क्या आंसर है? नहीं करेंगे। नो, ठीक है, नहीं आंचल, नहीं करेंगे। देखिए, व्हेन एन एम्प्लॉई, जब एक एम्प्लॉई टेक्स अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर विच इज रीपेबल इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्टॉलमेंट्स, द लोन अमाउंट कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स एज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, इट इज अ एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगा ऑन अ रिसीप्ट बेसिस, जबकि एडवांस अगेंस्ट सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज वो तो एक लोन है जो आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उस लोन को चुकाने के लिए क्या अरेंजमेंट रखा है कि जो मेरी सैलरी बनेगी वो सैलरी मुझे मत देना, उसमें से डिडक्ट कर लेना, बट स्टिल दैट इज अ लोन, वो आपका लोन है, दैट इज नॉट एडवांस सैलरी। बताइएगा मुझे एक बात सोचकर, एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से क्या मांगता होगा, एडवांस सैलरी या एडवांस अगेंस्ट सैलरी? क्या मांगता होगा अपने एम्प्लॉयर से, एडवांस सैलरी या एडवांस अगेंस्ट सैलरी? मयूर कह रहे हैं दोनों मांग सकता है। हाँ, मांग तो सकता है, लेकिन उसको फायदा किसमें है, फायदा किसमें होगा? यस, अगेंस्ट सैलरी है। एक नुकसान भी है, एक नुकसान भी है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी का एक नुकसान है, क्योंकि ये लोन है, क्योंकि ये लोन है तो इस लोन पर आपका एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्ट भी तो मांगेगा, ये आपका नुकसान है। क्योंकि एडवांस अगेंस्ट सैलरी एक तरह का लोन है, तो इस लोन पर आपका एम्प्लॉयर ये भी तो कह सकता है कि मुझे इंटरेस्ट पे करो, तो इंटरेस्ट आपके लिए एक नुकसान होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, होगा, हो सकता है। ठीक है, आइएगा। देखिए, जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और जब आप कंसल्टेंट होते हैं तो भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं।
पर फर्क क्या होता है? जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन करते हैं कि मैं आपकी सर्विस एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपकी सर्विस को पूरा करूंगा। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बनते हैं, जब आप एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन करते हैं। एक ही वर्ड्स का फर्क है, बस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और कॉन्ट्रैक्ट फॉर। तो जब आप एम्प्लॉय हैं, आपने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया कंपनी में, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन किया है। लेकिन जब आप कंसल्टेंट हैं, आप एम्प्लॉय नहीं हैं, तब जो आपने लेटर साइन किया या डॉक्यूमेंट साइन किया, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये दोनों बातें यहां लिखी हुई हैं। देखिए, द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट अंडर विच द एम्प्लॉय अग्री टू वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इसको आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। वेयर वन पर्सन अग्री टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू द अदर पर्सन ऑन अ फ्रीलांसर बेसिस, इनकम जनरेटेड इन द हैंड्स ऑफ पेई टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, इसको आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। जब आप अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ मैंने अपनी सैलरी दान कर दी, मुझे नहीं चाहिए ये सैलरी, उसे कहते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी। तो वंस सैलरी अक्रू द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स, सच वेवर इज ओनली इन एप्लीकेशन एंड हेंस चार्जेबल टू टैक्स। मतलब क्या है इस बात का समझते हैं आइए। मुझे सैलरी मिलती थी 50,000 रुपए महीना, एक दिन मुझे गुस्सा आई और मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला जाओ मुझे नहीं चाहिए आपकी ये सैलरी, रखो अपने पास 1 महीने की सैलरी, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दी मैंने, आपको दान में दे दी अपनी सैलरी, ऐसा कह के मैं छोड़े आया अपनी 1 महीने की सैलरी। मैंने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, इनकम टैक्स रिटर्न भरते में मैंने बोला 50,000 रुपए की सैलरी इंटू 11 महीने, मैंने इनकम दिखा दी 5,50,000। उधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस दे रहा है, वो कहता है कि आपकी सैलरी तो बनती थी 12 महीने की। मैंने बोला, रिप्लाई किया मैंने नोटिस का, मैंने क्या बोला कि हाँ बनती थी 12 महीने की, लेकिन 1 महीने की सैलरी में दान करे आया था, किसको? अपने एम्प्लॉयर को। वो बेचारा ज्यादा ही चिक चिक करता था, मैंने गुस्से में आकर 1 महीने की सैलरी त्याग कर दी, छोड़ दी मैंने सैलरी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए 1 महीने की सैलरी, ले जाओ अपनी सैलरी, मुझे नहीं चाहिए। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी बात को मानते हुए 11 महीने की इनकम कंसिडर करेगा, या वो ये कहेगा भाई साहब ये दान पुण्य तो तुम्हारे अपने कर्म हैं, हमें तो 12 महीने की सैलरी पर टैक्स दे दो। बताइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12 महीने की इनकम मानेगा या 11 महीने की इनकम को ही कंसिडर कर लेगा? 12 12 12 डिपार्टमेंट कह रहा है ये गुस्सा वुस्सा तो सब तुम्हारे काम थे, हम क्या करें तुम्हारे गुस्से का, तुमने गुस्से में 1 महीने की सैलरी छोड़ दी, तुमने अपनी मर्जी से 1 महीने की सैलरी छोड़ी है, हमसे पूछा था क्या छोड़ते समय, हम इस बात को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर आप कोई फॉरगोइंग ऑफ सैलरी करते हैं, सैलरी का त्याग करते हैं, तो उसे उसे हम आपकी इनकम मानेंगे, क्योंकि जब एक बार सैलरी अक्रू हो जाती है तो अक्रू हो जाती है, उसको छोड़ना आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कम नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? देखिएगा, मिस्टर ए एम्प्लॉय है, इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर, उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर अप्रैल 21 एंड सेम माइट बी डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। उसने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि अब मुझे अप्रैल की सैलरी मत देना,
मेरे बदले ये किसी चैरिटी में दान दे देना, मेरे बदले किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेट कर देना, मुझे मत देना। सो इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट ही कैन नॉट बी चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। इट इज ओनली ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन दैट डोनेशन वॉज मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। इट इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आप इसे क्या मानेंगे? इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सर एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होती है? आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। जब आप इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स दे देते हैं, तो उसके बाद आप उस पैसे का कुछ भी करें, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सो हेंस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। लेकिन क्योंकि मिस्टर ए ने अपनी सैलरी को डोनेट करवा दिया है, तो इसकी उसे डिडक्शन दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 80G, जो कि आप पढ़ेंगे डिडक्शन के चैप्टर में। तो हाउ एवर एंटाइटल टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर द अमाउंट डोनेटेड टू द इंस्टीट्यूशन। क्लियर है हम यहां तक? बताइए कोई डाउट है यहां तक? आपको अगर सैलरी मिले, आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और बताता हूं, फिर इसके बाद इस कंसेप्ट को उठाऊंगा। कोविड के टाइम पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने सैलरी कट डाउन कर दिया। कोविड के टाइम पर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने सैलरी रिडक्शन कर दी कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे। मुझे ये बताइएगा, किसी का पैकेज अगर 20 लाख है और कोविड के समय पर उसे बोला गया कि हम आपको 15 लाख रुपए सैलरी देंगे, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, एम्प्लॉय मान गया 15 लाख पर काम करने के लिए, इनकम टैक्स में उसे 20 लाख की इनकम पर टैक्स देना है या 15 की इनकम पर टैक्स देना है? ये डिपेंड करता है दोस्त आपकी बात पर। आप सभी ने बोला 15, आंसर आपका ठीक है, लेकिन लॉजिकली समझते हैं इस बात को। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी स्लिप पूरे 20 लाख की दी है और 5 लाख रुपए का वेवर दिखाया है, वेवर दिखाया है मतलब जहां पर आप ये कह रहे हैं कि मेरी सैलरी तो 20 लाख है लेकिन 5 लाख मैंने छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए, तो आपको टैक्स देना है 20 पर। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी स्लिप ही 15 लाख की बनाई है, इसका मतलब वो ये कहता है कि मैंने आपका सीटीसी कम कर दिया, जो आपका सीटीसी 20 लाख का था मैंने उस सीटीसी को 15 लाख कर दिया, तो आपको टैक्स देना है 15 लाख पर। मुझे ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में कौन सी अप्रोच ज्यादा चली होगी, 15 वाली या 20 वाली? अप्रोच कौन सी चली होगी? अप्रोच 15 वाली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंपनीज ने क्या किया, मैं बताता हूं। एम्प्लॉयर ने ये बोला अपने एम्प्लॉय को, साहब आपकी सैलरी 20 लाख ही है, 20 लाख ही थी, लेकिन 5 लाख रुपए कोविड की वजह स्टूडेंट्स देयर वॉज अ पावर ब्रेक डाउन जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। नाउ वी आर बैक। एम आई ऑडिबल? वीडियो आ रही है आपके पास? यस। सो इट हैपेंस समटाइम, पावर ब्रेक डाउन हो जाता है ऑल ऑफ सडन, तो इट हैपेंस टूडे अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ये बोला कि आपकी सैलरी तो 20 लाख ही है, हम आपकी सैलरी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए का आप सरेंडर कर रहे हो, आप वेवर दे रहे हो बिकॉज ऑफ कोविड। तो एक बात बताइए, जिन कंपनीज ने इस तरह का एम्प्लॉयज को ऑफर दिया, ऑफर क्या दिया, ऑप्शन दिया कि आपकी सैलरी तो 20 लाख ही है, आपकी सैलरी सीटीसी 20 लाख ही है,
लेकिन आप 5 लाख रुपए की सरेंडर कर रहे हैं अपनी सैलरी, तो बताइए उन एम्प्लॉइज को कितने पर टैक्स देना पड़ा होगा, कितने पर देना पड़ा होगा, 20 पर। और जब उन एम्प्लॉइज को 20 लाख पर टैक्स देना पड़ा होगा तो उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। एक तो मिली है सैलरी 15 लाख, एक तो 5 लाख आपने हमारे वो काट लिए, ऊपर से हमें टैक्स भरवा रहे हो 20 लाख रुपए पर। यस और नो, क्या उनके लिए प्रॉब्लम रही होगी या नहीं रही होगी? रही होगी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। हमारे हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यही वाला ऑप्शन रखा और बेचारे एम्प्लॉइज को 20 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ा, जबकि उन्हें सैलरी मिली थी केवल 15 लाख रुपए। लेकिन क्या करें, लॉ ऐसा ही है, तो ऐसे ही वो फंस गए और उनके उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इस चीज के लिए। जबकि ज्यादातर कंपनी ने इस वाले ऑप्शन को ऑप्ट किया, उन्होंने बोला कि हम आपका सीटीसी 15 लाख कर रहे हैं जब तक कोविड रहेगा, जब कोविड ठीक हो जाएगा तो हम आपके सीटीसी को वापस 20 लाख कर देंगे। कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ कंपनी को, एम्प्लॉय को नुकसान हो गया, कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है हम यहां तक? पढ़िएगा एक और बात समझेंगे, बस आज की लास्ट बात समझेंगे, इसके बाद हम घर चले जाएंगे। वैसे भी आज सिस्टम भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, बिजली भी हमारा साथ नहीं दे रही है, और आप लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं आप। तो आज की लास्ट बात समझेंगे हम और फिर घर चले जाएंगे अपने अपने। सुनिएगा मेरी बात को, एम्प्लॉई सैलरी कमाता है, इस सैलरी के ऊपर टैक्स कौन देता है, टैक्स लाइबिलिटी कौन पे करता है? एम्प्लॉई। एम्प्लॉय सैलरी कमाता है, इस सैलरी इनकम पर टैक्स कौन देता है? एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को टैक्स देना होता है, जब एम्प्लॉय को टैक्स देना होता है तो एम्प्लॉय पहले सैलरी कमाता है फिर उसके बाद उस पर टैक्स पे करता है। यस और नो? यस। कभी कभी कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी आते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी आते हैं जो कंपनी में आके सबसे पहले ये कहते हैं, भाई साहब ये बताओ मेरी इनकम पर टैक्स कौन देगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आप इंटरव्यू देने गए हैं कंपनी में, क्या आप कंपनी में इंटरव्यू के दौरान ये बात पूछेंगे कि मेरी इनकम पर टैक्स कौन देगा? या ये नेचुरल सी ऑब्वियस सी बात होगी कि जो आपकी इनकम होगी उस पर आप ही टैक्स देंगे, या आप अपने एम्प्लॉयर, होने वाले एम्प्लॉयर से पूछेंगे, भाई साहब बताओ टैक्स कौन देगा, जो आप मुझे सैलरी देने वाले हो 20 लाख रुपए की, इस पर टैक्स कौन देगा? एम्प्लॉयर आपको नौकरी पर नहीं रखेगा जैसे ही वो ये सवाल सुनेगा, कहेगा यार ये कैसा सीए आया है जो पूछ रहा है टैक्स कौन देगा। ऑब्वियसली आप ही दोगे, ऑब्वियसली एम्प्लॉय ही देगा। बट समटाइम कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी आते हैं जो एम्प्लॉयर के सामने कहते हैं, नौकरी पे तब आऊंगा जब मेरी सैलरी के ऊपर टैक्स तुम दोगे, नौकरी पर तब आऊंगा काम करने जब मेरी सैलरी पर टैक्स तुम दोगे। और एम्प्लॉयर उन एम्प्लॉयज को रखता भी है क्योंकि उसे पता है कि ये एम्प्लॉय मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, अगर मैं दिया जला के भी निकलूंगा हाथ में लेके तब भी ये एम्प्लॉय मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कुछ एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी खुद बियर करने को राजी हो जाते हैं। इसका मतलब एम्प्लॉय आता है बड़ी शान से, क्या कहता है,
मुझे 50 लाख रुपए का पैकेज चाहिए, और सुनो मेरी बात ध्यान से, 50 लाख में टैक्स मैं नहीं दूंगा, 50 लाख पर जो भी टैक्स बने तुम दे देना। मुझे 50 लाख का पैकेज चाहिए, 50 लाख में टैक्स मैं नहीं पे करूंगा सरकार को, इस 50 पर जो भी टैक्स बनता हो तुम पे कर देना, मंजूर है तो कल से काम पर आऊंगा वरना मैं नहीं आता। ऐसे भी एम्प्लॉय आपको देखने को मिलेंगे। तो जब इस तरह का एम्प्लॉय आपके सामने टकराएगा और वो ये कहेगा मुझे तो बिना टैक्स वाली सैलरी दे दो 50 लाख रुपए, और 50 पर जो टैक्स बनता हो वो तुम देते रहना, तुम देते रहना, मुझे मतलब नहीं है, तो उस सैलरी को कहते हैं टैक्स फ्री सैलरी। जिस सैलरी पर एम्प्लॉय को टैक्स ना देना पड़े, जिस सैलरी पर एम्प्लॉय को टैक्स ना देना पड़े बल्कि आपका एम्प्लॉयर उस पर टैक्स पे करे, वो आपके लिए कहलाती है टैक्स फ्री सैलरी, वो आपके लिए कहलाती है टैक्स फ्री सैलरी। नहीं मयूर, टीडीएस नहीं है ये। मयूर कह रहे हैं हाउ मींस, मैं आपका हाउ नहीं समझा। टैक्स फ्री कैसे हो सकती है? हो सकती है ना, ये देखो आओ, ये है मिस्टर राम, ये है उनकी एम्प्लॉयर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने बोला हम आपको 50 लाख की सैलरी देंगे, राम ने बोला ठीक है 50 लाख मुझे सूखे सूखे चाहिए, सूखे सूखे 50 लाख रुपए मुझे दे देना। अब इस 50 लाख रुपए पे मान लो, इस 50 लाख रुपए पे मान लो टैक्स बनता है 20 लाख का, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, 20 लाख रुपए का टैक्स सरकार को पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, और 50 लाख रुपए दे देगा मिस्टर राम को सूखे सूखे। तो राम को 50 लाख मिल गए जो वो चाहता था, राम को 50 लाख मिल गए जो वो चाहता था। अब राम इस पर टैक्स देगा नहीं क्योंकि इसका टैक्स 20 लाख रुपए ऑलरेडी सरकार को जा चुका है, जो कि किसने दिया है, एबीसी लिमिटेड ने। इतनी बात समझ लो, फिर इसके बाद का एनालिसिस कराऊंगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इतनी बात क्लियर है? बताओ क्या राम को उसके 50 लाख रुपए मिल गए बिना टैक्स के? क्या राम को उसके 50 लाख रुपए मिल गए बिना टैक्स के? क्या राम खुश हो गया? राम खुश हो गया? राम जो चाहता था वो काम हो गया? यस, लेकिन एक समस्या है, एक समस्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सीए कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, मैं आपके पास आया, मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास एक एम्प्लॉई आया है, एम्प्लॉई कहता है मुझे 50 लाख रुपए का पैकेज दे दो, टैक्स वैक्स मैं पे नहीं करूंगा। तो मैंने उसका टैक्स कैलकुलेट किया, 20 लाख रुपए का टैक्स आया, वो मैंने सरकार को दे दिया, 50 लाख मैंने उसे दे दिए। अब मैंने आपसे पूछा यार ये बताओ राम की इनकम कितनी है, राम की इनकम बताओ कितनी है। आप सीए कर रहे हो, इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपके सामने सवाल आ गया राम की इनकम कितनी है, इस केस में क्या बोलोगे, 50 लाख या 70 लाख? क्या बोलोगे, 50 या 70? बाकी लोग राम की इनकम है 70 लाख। सर अगर राम की इनकम 70 लाख है तो टैक्स 70 लाख पर होगा, राम की इनकम अगर 70 लाख है तो टैक्स भी 70 लाख पर होगा, 50 पर नहीं होगा। लेकिन 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 टैक्स तो 20 लाख रुपए 50 पर कैलकुलेट किया गया था, टैक्स तो 20 लाख रुपए 50 पर कैलकुलेट किया गया था। यस और नो, यस और नो, समझ गए क्या प्रॉब्लम आएगी, समझ गए क्या प्रॉब्लम आएगी?
जब एक ऐसा एम्प्लॉय मेरे सामने आएगा जो कहेगा मुझे टैक्स फ्री सैलरी चाहिए, तो मुझे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, मुझे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। वर्किंग क्या होगी? मैं उससे पूछूंगा बता तुझे क्या चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए, वो कहेगा मुझे 50 चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए। मैं फिर एक रिवर्स वर्किंग बनाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि मैं उसे कितना अमाउंट पे करूं, मैं उसे कितना अमाउंट पे करूं कि जिसके ऊपर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो रिजल्ट आ जाए 50। बताइए बताइए मैं कितना अमाउंट पे करूं जिसके ऊपर अगर मैं टैक्स भी लगा दूं तो इनकम आ जाए 50, जिससे कि 50 मैं उसे दे दूं और ये मैं गवर्नमेंट को दे दूं। बोलो ऐसी दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? तो आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, और इस वर्किंग को कहते हैं, इस वर्किंग को कहते हैं ग्रॉसिंग अप, इस वर्किंग को कहते हैं ग्रॉसिंग अप। आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए इनकम सेट करी 70 लाख रुपए, आप ये बोलेंगे कि 70 में से चलो 70 के ऊपर 20 का टैक्स हो गया और 50 वो मांग रहा है तो ये मैं उसे दे दूंगा। तो ये जो 70 आया है ये रिवर्स कैलकुलेशन से आएगा। सर क्या ये रिवर्स कैलकुलेशन हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इस पर जाऊंगा भी नहीं कि ये कैसे होगी। बट द पॉइंट इज दैट अगर कोई एम्प्लॉय आपको कहता है कि मैं तो टैक्स फ्री सैलरी लेना चाहता हूं, तो आप उसकी पहले टोटल इनकम निकालेंगे, उस पर टैक्स निकालेंगे, फिर उस टैक्स को माइनस करके उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। बट मेरा मुद्दा ये नहीं है समझाने का, मेरा तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर बियर करता है बर्डन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इन सच केस द इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय विल कंसिस्ट द सैलरी इनकम ऑल्सो द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के लिए जो इनकम मानी जाएगी वो 50 नहीं मानी जाएगी, एम्प्लॉय के लिए जो इनकम होगी वो 50 प्लस 20 लाख रुपए, वो जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया था, 50 तो जो उसको मिल गए थे प्लस 20 लाख वो जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया था, तो ये 70 लाख रुपए उसकी इनकम बनेगी। क्लियर है हम यहां तक? बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नहीं है? चलिए इस वाले पैराग्राफ से हम बात करेंगे कल, ये हम कवर करेंगे कल। रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास में, जितना मैंने आज कराया है रिवाइज करके आइएगा। मस्ट 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 रिवीजन। नेक्स्ट क्लास टुमारो 8 PM। ठीक है, चलिए अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, देन वी कैन एंड दिस लाइव सेशन इन क्लास फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम तरह से 8 बजे।